चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि दो समानांतर श्रेणियों का सार्व अंतर जो है वो समान है, और उसके 100वें पदों का अंतर जो है वो 100 है, तो इसके 1000वें पद का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, अलग क्वेश्चन है, इसको समझिए। दो एपी है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एक एपी एन है और दूसरा एपी जो है वो टीएन है। ठीक है, दो अलग अलग एपी है। ठीक, आप इसको लैंग्वेज में लिखेंगे खुद से, ठीक है, कि माना कि प्रथम एपी एन तथा द्वितीय एपी टीएन है। ठीक, ये दो अलग अलग एपी है, तो मान लेते हैं कि इस एपी का जो प्रथम पद है, ठीक है, क्योंकि दोनों एपी का प्रथम पद होगा, तो इसका प्रथम पद मान लेते हैं कि ए है, और इसका मान लीजिए कि जो प्रथम पद है वो मान लेते हैं कि वो बी है। ठीक है, अब चूंकि दोनों का सार्व अंतर समान है, इसलिए सार्व अंतर जो है इस एपी का वो मान लेते हैं डी है। ठीक है, क्योंकि वो दिया नहीं गया है। ठीक है, अब अगर प्रश्नानुसार देखिएगा तो प्रश्न में क्या कह रहा था कि दोनों का 100वां पद का जो अंतर है, यानी इस एपी और इस एपी का जो 100वां पद है, ठीक है, कुछ अंक होगा, है ना, 100वां पद कोई अंक होगा, उसको अगर हम घटाते हैं, यानी इस एपी का 100वां पद कैसे सूचित होगा, 100 से रिप्रेजेंट होगा, और इसका 100वां पद टी एन से रिप्रेजेंट होगा, यानी कि टी 100 हो जाएगा, है ना, टी से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो दोनों का 100वां पद को जब हम घटा रहे हैं तो वो घट के क्या रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार इस दोनों का 1000वां पद को जब घटाएंगे तो वो घट के कितना आएगा, ये मुद्दा है। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं, इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, और माइनस का साइन याद कीजिए, जब एक से ज्यादा पदों का जब मिश्रण होता है तो हम माइनस से पहले, जब माइनस आता है तो हम क्या ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिर इसका जब इसको तोड़िएगा तो ये बी होगा, क्योंकि इसका पहला पद हम बी माने थे, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए मेरा प्रथम पद होता है, तो जो प्रथम पद होता है वो रखते हैं, एक ही जगह 5 कहीं रखते हैं, कहीं 10 रखते हैं, कहीं 12 रखते हैं, क्यों, क्योंकि वो मेरा प्रथम पद होता है, तो यहाँ प्रथम पद बी है इसलिए हम बी रख रहे हैं, प्लस एन तो यहाँ भी 100 ही है, तो 100 माइनस 1 और डी यानी सार्व अंतर मेरा वही है। ठीक है, मान के चलिए ऐसा हो गया, अब बराबर 100 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि घट के तो 100 ही आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ए प्लस 99 डी, और ये माइनस, ठीक है, बी, याद कीजिए कोई भी ब्रैकेट से जब बाहर हम निकालते हैं पदों को तो वो क्या होता है, साइन उल्टा होके निकलता है, तो प्लस है तो माइनस निकल गया, ये 99 लेकिन माइनस में डी और बराबर 100, क्यों माइनस में हुआ यहाँ, क्योंकि ये प्लस 99 डी होता, ब्रैकेट से बाहर निकला, माइनस के कारण ये माइनस हो गया, 99D कैंसिल, तो ए माइनस बी बराबर हमारा क्या आया, 100 आया, इसका नाम एक दे देते हैं, समीकरण एक नाम दे के इसको रख लेते हैं। अब जो है हम लोग को इसके 1000वें पद का अंतर मालूम करना है, तो 1000वां पद क्या हो जाएगा, इसको तोड़िएगा तो फिर यहाँ 100 दिया था 100वां पद का अंतर, यहाँ दिया नहीं गया है, वो हमें ज्ञात करना है, तो ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी घटाओ बी प्लस 1000 माइनस इंटू डी। देखिए 1000वां पद का अंतर दोनों का मालूम करना था, तो इसका 1000वां पद का यही फॉर्मूला हो सकता था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और माइनस की माइनस, ठीक है, ब्रैकेट आया इसी माइनस के कारण, और इसका प्रथम पद बी था इसे यहाँ बी लिखे, शुरू में ही मान लिए थे, तो बी प्लस 1001 हो गया, घट गया 1000 में घट गया, और इंटू डी, ठीक है, तो ये ए प्लस 999 और घटाओ ये बी घटाओ 999, ठीक है, माइनस क्यों आया, क्योंकि ब्रैकेट क्या के माइनस था, इसलिए दोनों जो पद था वो माइनस में निकला, ये कट गया, तो क्या आया, ए माइनस बी आया। ठीक है, यानी कि इसके 1000वें पद का अंतर क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा, और चूंकि ए माइनस बी बराबर क्या हमें मालूम है कि 100 होता है, तो क्या इसकी जगह 100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो कहां से लिखे, तो हम लिख सकते हैं भाई समीकरण 1 से। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन खत्म।